करता हूँ कि आज भी गजलों की सिलेक्शन सलमान साहब बहुत अच्छी हो, गजलों की सिलेक्शन और फिर गायकी कमाल है। मार्केट तो लाया आप कह रहे हैं और यही चीज है जो मेरे पैशन को आगे बढ़ाता रहता है, वरना मैं फुल टाइम जाहिर है कि कंपनी चलाता हूँ सुबह से शाम तक, तो मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा ट्रैवल पे होता हूँ या बिजनेस ट्रिप्स पे होता हूँ तो महीने दो दो महीने हाथ नहीं लगा सकता किसी। अच्छा तो बिजनेस पे किस कौन से नेचर है मेरी? मार्केटिंग। अच्छा मार्केटिंग, मैंने शुरू से मार्केटिंग ही मेरा प्रोफेशन है। तो गज़ल काफ़ी मदद देती होगी मार्केटिंग में? मैं इससे यूं कहूंगा कि बाज़ दफ़ा ये हेल्प भी करती है और बाज़ दफ़ा ये हेल्प नहीं करती। हेल्प वर्स भी हो जाती है कि बाज़ दफ़ा वर्स तो नहीं होती? मैं बताता हूँ, नहीं वर्स में नहीं जाती। बात यह हेल्प यूं करती है कि आपको आइस ब्रेकिंग के लिए, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हैं अपनी कंपनी को प्रेजेंट करते हैं तो आइस ब्रेकर चाहिए होता है कोई ना कोई, आपको मुतारिफ कराने की जरूरत नहीं। मुझे ये नहीं बताना पड़ता कि मैं कौन हूँ, अक्सर जगहों पर यह हो जाता है और फिर वो आइस ब्रेकर बन जाता है उससे बात से बात। इसी तरह जब आप प्रोग्राम्स करते हैं तो आप बाज़ दफ़ा बहुत टॉप लेवल्स के ऊपर वन टू वन एसोसिएशन हो जाती है आपकी, और तो उससे एक आसानी हो जाती है। नेगेटिव भी हो जाता है कि उसको पहले यह समझाना होता है कि भाई मैं जो मेरा जो प्रोफेशन है इसमें भी मैं उतना ही प्रोफेशनल हूँ। सीरियस बंदा नहीं है तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं गाना गाता हूँ, मैं उसके और भी करता हूँ, उसमें भी मेरा उतना ही एक्सपर्टीज है। वरना होता ही है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में यह है कि अच्छा आप अगर म्यूजिक से रिलेटेड या किसी भी आर्ट से रिलेटेड हैं तो बस आपको और कुछ नहीं आता, बस आप यही करते हैं। कुछ हो जाए थोड़ा सा उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा चले मैं गुनगुना देता हूँ। वो अजनबी शहरों से कुछ वाबस्तगी हुई, कुछ जान पहचान, कुछ शनासाई हुई या नहीं हुई अब तक? जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ बाहर दोस्त मिलते हैं तो वो इंटरनेशनली ये आज तक उसी तरह सुनी जाती है प्रॉबली। वो बार दफ़ा आप उस मोड में चले जाते हैं, शायद वो लिंक हो जाता है थोड़ा सा, तो वो अजनबी शहर होता है और अजनबी रास्ते होते हैं बाज़ दफ़ा, तो बैरून मुल्क जो कॉन्सर्ट्स वगैरह में भी उसमें उसका ही पूछेंगे वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा जब आप मतलब वो शनासाई नहीं, हर दफ़ा नए नए रास्ते होते हैं, अजनबी रास्ते होते हैं, अजनबी शहर होते हैं? हर दफ़ा तो नहीं खैर, मगर हाँ मतलब वो मेरा ही नहीं, वो किसी का भी जो मेरे सुनने वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई जब हम यहाँ गाड़ी में लगा हुआ होता है लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कनेक्ट कर देते हैं आपको, या जो उस वक्त की मुनासिबत से हो जाते हैं, हसबे हाल हो जाते हैं और वही फिर ज़्यादा असर करते हैं और वो याद रह जाते हैं, तो उसी में से प्रॉबली एक ये भी एग्जाम्पल है। थोड़ा सा अजनबी जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। क्या बात, क्या बात। जिंदगी भी हमें आजमाती रही, जिंदगी भी हमें क्या बात आजमाती रही, और हम भी उसे क्या आजमाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। जो नए आने वाले लोग हैं आप उनके बारे में क्या कहेंगे, जो हमारा नया टैलेंट आ रहा है? मैं अभी वही बात उसमें रह गई, मेरा ये कहना था वो शेर ही निकल गया मेरे से अभी। अच्छा इसी गजल का है, इसी गजल का शेर है, मगर चले अब मेरे खाले वक्त बहुत हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। और आप जो लेटेस्ट कह रहे थे उसका एक शेर कर दें फिर आउट हो जाते हैं। अच्छा जी चलिए। ये तो उसका ही करिश्मा है, फुसू है, यूं है। ये तो उसका ही करिश्मा है, फुसू है, यूं है, वरना कहने को तो सब कहते हैं यूं है। यूं है।